भोजपुरी फिल्मों की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार और बीजेपी के स्टार प्रचारक पवन सिंह इन दिनों बीजेपी के लिए बड़े ही जोर शोर से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच सुपरस्टार पवन सिंह के फैंस के लिए एक बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह मंगलवार को पंजाब के मोहाली में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन मंगलवार की रात को ही सुपरस्टार पवन सिंह के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। जी हां, मीडिया रिपोर्ट की माने तो वहां भाजपा के लिए पवन सिंह का रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा की भीड़ आई हुई थी। उनकी जनसभा को संबोधित करते करते वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने जानबूझकर सुपरस्टार पवन सिंह पर हमला किया, जिससे पवन सिंह आताहत हो गए। हालांकि आपको बता दें कि पवन सिंह ने आरोप लगाया है कि उन पर जानबूझकर हमला किया गया है और उन्हें सुरक्षा भी प्रदान नहीं किया गया था। पवन सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार ने मोहाली में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के दौरान लाखों भीड़ जमा देखकर जानबूझकर उन पर हमला कराया गया, जबकि कार्यस्थल से ही बगल में थाना स्थित, फिर भी भाजपा कार्यकर्ता की मदद के लिए लाते रहे, लेकिन पुलिस चुपचाप तमाशबीन देखती रही। भाजपा कार्यकर्ता के सहयोग से किसी तरह से पवन सिंह जान बचाकर वहां से निकल गए। इसके बाद पवन सिंह के फैंस काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर पंजाब सरकार के लिए नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और हर कोई पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों पवन सिंह बीजेपी के लिए बड़े ही जोर शोर से चुनाव प्रसार कर रहे हैं, तभी तो उनकी चर्चा आजकल बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार हो चुकी है और वो बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक भी बने हुए हैं। भोजपुरी का सुप्त राव शर्मा की रिपोर्ट। जो हमको देखने आए हैं उसी को हम नहीं दिखेंगे तो फिर मतलब क्या होगा। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।